गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार विश्वजीत एंड यू वाचिंग बीएससीबी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एपी के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी फार्मूला को आगे बढ़ते हुए एक नया फार्मूला देखेंगे। हमने पढ़ा था कि एनवा पद यानी ए एन कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना छिपा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछता है कि पदों की संख्या होता है, तो पदों की संख्या एन को ही कहा जाता है। तो देखिए ए एन माइनस ए, देखिए ए एन है, अब देखिए बराबर के दाहिना तरफ है ए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह है। जब ये बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो अपना जेंडर बदल देगा। तो देखिए ए एन माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए जैसे है वैसे के वैसे एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी हो गया। देखिए ए सिर्फ इस तरफ आया, दाहिना तरफ से बाएं तरफ चिन्ह बदलेगा। अब देखिए ए एन माइनस ए है, अब देखिए बराबर के दाहिना तरफ डी है, गुना में है, तो डी जब बाएं तरफ आएगा तो फिर जेंडर नहीं चिन्ह बदलेगा, तो डी बटा में आएगा। बटा मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब डिवाइड होता है भाग। अब देखिए ए एन माइनस ए अपॉन डी बराबर, इस तरफ क्या बचा, जब ये हट गया तो एन माइनस वन ही ना बचा। अब देखिए ए एन माइनस ए अपॉन डी, अब देखिए माइनस वन अलग है मतलब बराबर के राइट साइड, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए माइनस वन तो प्लस वन बराबर एन, यानी एन बराबर फार्मूला आ गया ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। अब देखिए कुछ यहाँ जो बच्चों का डाउट हो सकता है कि ये इसको पहले अलग किए फिर इसको किए तब इसको अलग किए, पहले इसको नहीं कर सकते थे, पहले यही क्यों। देखिए यहाँ पर n जो है ना स्वतंत्र रूप से नहीं है, बंधा हुआ है। देखिए जब इसको हम अलग करेंगे तो जब ये इसके साथ गुना होगा फिर इसके साथ, यानी n इंटू डी एन डी माइनस डी ऐसे होगा, तो अभी ये बंधा हुआ है इसलिए एक एक करके किया जाता है। बाकी अगर आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो आप सुबह का वीडियो देखिए, सुबह में हम बेसिक बेसिक कैलकुलेशन ये सब का वीडियो समझाते हैं। तो चलिए यहाँ से आप समझ गए होंगे ए, जहाँ ए एन क्या है, देखिए ए एन है एनवा पद, ए एन एनवा पद, अगर एन के जगह दो है तो मतलब दूसरा पद ए बीस यानी बीसवा पद, तो एनवा पद या फिर अंतिम पद भी कह सकते हैं, क्योंकि ए ए वन मतलब ए मतलब ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन रहता है, यानी लास्ट में दिया हुआ रहता है ए एन, यानी अंतिम पद भी बोल सकते हैं। और ए ए या फिर ए वन दोनों बात एक ही है, सौ रुपया या फिर एक सौ रुपया, तो इसको प्रथम पद बोला जाता है। डी होता है सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की कुल संख्या, एन को क्या कहा जाता है पदों की संख्या। तो आज से जब भी पदों की संख्या पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बन जाएगा। तो एक सी डब्ल्यू है, एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, आठ तेरह अठारह ऐसे करते करते एक सौ अट्ठाईस, इसमें पदों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए एक सौ अट्ठाईस लास्ट में, तो इसे ए एन माना जाता है। तो चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज करिए। आई होप आपने बना लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में इतना जो चौथाई रहता है, उसके बाद दिया गया है, अब हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखना है। जैसे ए दिया गया है, ए एन दिया गया है, डी हमको ज्ञात करना रहता है, इसमें से इससे घटाएंगे या फिर इसमें से इससे घटाएंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अठारह में से तेरह घटाएंगे पाँच, तेरह में से आठ घटाएंगे पाँच, तो डी हमने निकाल लिया पाँच, बाकी ये दोनों दिया हुआ था। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पदों की कुल संख्या, यहाँ पर कहने का मतलब ये जरूरी नहीं लेकिन एग्जामिनर को समझाना है कि एन मतलब होता क्या है, पदों की संख्या होता है, विद्यार्थी को यह पता है। तो देखिए पदों की कुल संख्या अर्थात एन बराबर, देखिए आप स्पष्ट रूप से देखिए ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। अब देखिए यहाँ जो है पहले इसका कैलकुलेशन करना है, तब एक जोड़ना है, इस पूरा में एक जोड़ना है, ना कि इसमें एक जोड़ना है डी से डिवाइड करना, गलत, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और तब एक जोड़ना है। तो देखिए अब मान बैठा देंगे, देखिए ए एन के जगह कितना है ए एन बराबर एक सौ अट्ठाईस, ए एन के स्थान पर एक सौ अट्ठाईस माइनस माइनस ए, ए के स्थान पर कितना आठ आठ, डिवाइड डिवाइड डी, डी के स्थान पर फाइव प्लस प्लस वन, इतना को अलग हल करेंगे तब उसमें वन ऐड करेंगे, एक सौ अट्ठाईस में से आठ घटाएंगे एक सौ बीस
भागा 5 प्लस 1, इसमें जब भाग करेंगे 24 आएगा प्लस 1 25 आएगा। तो n क्या होता है, पदों की संख्या। यहाँ 25वां पद नहीं होगा, यहाँ 25वां पद आंसर नहीं होगा, 25 पद होगा, क्योंकि संख्या पूछ रहा है। इसमें ये जो एपी है, इसमें यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे से करते 128 पद जब आएंगे तो कितना पद पूरा में है, पूरा जोड़ के कितना पद है, तो पूरा 25 पद है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सम ऑफ एनेक टर्म, यानी एनवे पदों का योग, ना कि एन तक का योग। एन पदों का योग नहीं, एन पदों का वो तो एन पद है ही, एनवे पदों का योग, यानी पहला दूसरा चौथा पांचवा, 1 से 5 पदों तक का योग, 1 से 20 पदों तक का योग, 1 से 50 पदों तक का योग, यानी एनवे पदों का योग, SN शॉर्ट में कहा जाता है। ना कि SN मतलब ये नहीं सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर नहीं, सम ऑफ nth टर्म। चलिए देखिए, SN बराबर फार्मूला जो होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक। ये बस एक ही फार्मूला है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया। देखिए, एल कहिए या फिर an कहिए, बात तो एक ही है, दोनों का मतलब अंतिम पद होता है। अब ये भी फार्मूला आप रख सकते हैं, ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं, दोनों एक ही है। अब देखिए, कोई ये भी तो सोच सकता है n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन के जगह हम इसका फार्मूला लगाए, तो देखिए n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन के जगह, ए एन के जगह, ए एन के जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का जो फार्मूला है वो लिख दिया। अब यहाँ बार बार एक ही चिन्ह का उपयोग ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए ब्रैकेट बदला गया है, बड़ी कोष्ट मंझली कोष्ट अंदर छोटी कोष्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ए सेम है, अब यहाँ से मंझली कोष्ट जो है उसको हटा दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए प्लस ए 2a, देखिए 100 प्लस 100 200, तो वैसे ही ए प्लस ए 2a, ए मतलब 1a, अगर रहता है 3a प्लस ए तो 4a, 3a प्लस 2a 5a, ठीक। वैसे ए प्लस ए 2a प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से एक और फार्मूला आपके लिए हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको दो फार्मूला हो गया, ए ए या फिर ए और ए, ये दो फार्मूला कब यूज होगा, दोनों का मेन जो डिफरेंस है क्या है। देखिए sn sn ये तो निकालना है, इक्वल टू n बाई 2 n बाई 2 है, a 2a खैर ये तो गुना करना है, प्लस प्लस इसमें देखिए डी एन इसमें l है। तो कहने का मतलब अगर लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होता है एपी का, वो कन्फर्म दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था एपी दो तरह का होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया होता डॉट डॉट करके रहता है, और एक रहता है जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है। तो जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है उसमें ए वाला यूज करेंगे, जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें ए वाला यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनाइए, एपी जो 2 प्लस 6 प्लस 10 ऐसे ऐसे करते 11 पदों तक का योग ज्ञात करिए। देखिए 11वां पद नहीं दिया हुआ है, 11 पद यहाँ हमको सबसे पहले 11वां जो पद है उसको ज्ञात करना है, तो 11वां पद ज्ञात करेंगे तब जोड़ेंगे, तो वैसे टाइम लगेगा। अगर वैसे करना है तो इस फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन 11वां पद ज्ञात हो जाएगा तब, फिलहाल 11वां पद ज्ञात नहीं है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जल्दी बने, इसको एपी मान लीजिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और ऐसे ऐसे करते एनवा पद, यानी 11वां पद। तो जल्दी इस फार्मूला का उपयोग करके इस एक क्वेश्चन को बनाइए, आंसर लाइए, तब तक मैं वेट करता हूँ। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको लिखना है क्या क्या दिया गया है। तो ये पहला पद है, यानी a बराबर 2, d इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में 10 में से हो गया 4, या फिर 6 में से 2 गया 4। n यानी पदों की संख्या, अंतिम पद तो नहीं दिया गया, दिया गया कि 11 पदों तक, 11 पद नहीं दिया गया, तो n बराबर हो जाएगा 11, यानी पदों की संख्या, यानी लास्ट टर्म 11 है, अंतिम पद 11, 11 पद है, एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे 11 पद तक ज्ञात करना, और हमें योगफल ज्ञात करना, यानी sn बराबर 8, n बराबर 11 है,
चलिए हम जानते हैं कि पदों की संख्या यानी Sn, sum of n term, इसका फॉर्मूला आता है n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n का मान है 11, 11 बटा 2 गुना यहाँ से मान बैठा देंगे. अब देखिए बहुत से बच्चों को इसी में दिक्कत होती है. देखिए जैसे लिखा हुआ लिखेंगे 2a का मतलब देखिए ये अंक है, ये एबीसीडी है, तो दोनों जब सटा हुआ है इसका मतलब बीच में गुना है. तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस प्लस ब्रैकेट में n, n का मान 11 माइनस 1 ब्रैकेट में d. अब देखिए d का मान 4, 11 बटे 2 गुना 2 दुने 4 प्लस. देखिए इसका अलग कैलकुलेशन है, इसका अलग, अब तब दोनों को जोड़ना है. देखिए इसका अलग है, इसका अलग, दोनों को जोड़ना है. ठीक, तो 2 दुने 4 प्लस 11 से 1 गया कितना हुआ 10, और 10 में 4 से गुना करेंगे 40. अब देखिए 11 बटे 2 गुना 4 और 10 44. देखिए इसमें गुना करना है, इस पूरा को जोड़ कर. ठीक, 11 बटे 2 गुना 44, दूसरे कटेगा 22 बार में. अब देखिए बहुत से बच्चे गुना करेंगे, यहाँ 11 में आपको 22 से गुना नहीं करना है. इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है सुबह के वीडियो. देखिए 11 से अगर किसी भी संख्या को गुना करना है, 22 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या लिखेंगे 2, फिर उसको जोड़ेंगे 2 2 4, और फिर सबसे पहले वाले संख्या लिख देंगे, हो गया. ये ट्रिक है. तो बेसिक बेसिक के लिए आप सुबह का वीडियो जरूर देखें. चलते हैं आगे की ओर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे जो क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40 और ऐसे ऐसे करते 200, इसका हमें सभी टोटल को जोड़ना है. तो वैसे जोड़ेंगे 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100, ऐसे तो एग्जाम हो गया मेरा. तो देखिए इसके लिए जो सूत्र अप्लाई करेंगे, कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, क्योंकि अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद हमें मालूम है कि 200 है, तो n by 2 into a plus l या फिर a plus an, ये वाला सूत्र से हल करेंगे. सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, a बराबर 10, an यानी या l या फिर अंतिम पद बराबर 200, d बराबर 20 में से 10 घटाएंगे यानी 10. हमें क्या ज्ञात करना है, sn. प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि sn बराबर n by 2 into a plus l. देखिए ये जो फॉर्मेट होता है बताने के, समझाने के तो कई सारे तरीके, लेकिन यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है, तब जाकर दो नंबर मिलेगा. लेकिन यहाँ पर जो है n है, और n हमें नहीं दिया गया है, अब दिक्कत हो गई ये, तो इसलिए हम ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया. अब यहाँ पर हम ये मालूम है, n मालूम है, sn ज्ञात करना है, लेकिन n नहीं मालूम है, हम n फिर से ज्ञात करेंगे. n बड़ा आसानी से सूत्र बताया था, इस सूत्र का उपयोग करके आराम से n निकल जाएगा. तो देखिए an माइनस a, an an यानी 200 माइनस a, a का मान 10, सूत्र के अकॉर्डिंग बैठा देंगे, नीचे 10 है, 10 प्लस 1, इस पूरा को हल करना है तब एक जोड़ना है. तो 200 में से 10 घटाएंगे 190 बटा 10 प्लस 1, ये से 10 से कटेगा 0, तो 19 बचेगा, 19 प्लस 1 20 पर आएगा. यानी यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते पूरा 20 पद है. नहीं समझ में आते, देखिए इसके और भी तरीके हैं, बस आपको ध्यान से देखना है. इस सब में से हम 10 कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन करने का मतलब सब में 10 भाग देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ क्या बचेगा, 20. तो कहने का मतलब पूरा पद कितना हुआ, 20 हुआ ना. तो पदों की संख्या ज्ञात करने की कैसे, ऑब्जेक्ट, ये सब जो मैं बताता हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए है. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे नहीं बनाना, ऑब्जेक्टिव के लिए कई सारे ट्रिक होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक गाइड का सॉल्यूशन कराऊंगा आपको. अभी आपको चैप्टर सब कंप्लीट हो जाने दीजिए तब. तो देखिए अब ये फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 यानी 20 बटा 2 into a, a का मान 10 प्लस l यानी अंतिम पद 200, तो यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो 210 आएगा, 20 बटा 2 यानी 10 हो जाएगा, कटेगा था. अब 10 में इतना से गुना करना, तो इस 10 से गुना करने का ट्रिक है, ये जो जीरो है इसके लास्ट में बैठा देना था. 210 है, 210 पर एक सुनना, एस एन बढ़ाओ 2100 हो गया आंसर. लेकिन अगर आपको फुल में फुल नंबर लाना है, साथ में कोई नंबर कटने नहीं देना है, इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स होता है. ट्रिक्स क्या है, जैसे मैंने अंदर यहाँ पर जो बॉक्स बनाया है, इससे क्या होगा, हाईलाइट हो गया आंसर, एग्जामिनर जो होगा उसको डायरेक्ट आंसर यहाँ दिख जाएगा आसानी से. इस ये सब कुछ तरीके होते हैं नंबर उठाने का, 90 प्लस, तो वो सभी मैं आपको सिखाते रहूँगा. बस
चैनल पर जुड़े रहिए, और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। अगर समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो डिसलाइक करिए, और साथ में अपने प्रॉब्लम को कमेंट करिए कि कहाँ पर नहीं समझ में आया, या फिर हो सकता है मुझसे भूलवश कोई टॉपिक छूट गया है, वो सब भी कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट के अनुसार ही हम आगे वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए BSEB मैथमेटिक्स।